नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूँ। आज मैं अपने YouTube के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का रिप्लाई देना चाहूँगा। आज मैं जिनके मैसेज पर रिप्लाई दे रहा हूँ वो है जसपाल सिंह जी। इन्होंने लिखा है, सम वास्तु टीचर्स टोल्ड अबाउट साउथ ईस्ट गेट नॉट गुड, ही टोल्ड लीव सम एरिया साउथ ईस्ट साइड देन पुट मेन गेट सर। देखिए जसपाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, साउथ ईस्ट में मेन गेट यदि आपका ईस्ट वॉल पर लगता है तो वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। आप साउथ ईस्ट में साउथ वॉल पर अपना मेन गेट लगाते हैं तो वो गेट आपका बिल्कुल सही रहेगा, उसका आपको कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं लगेगा। आप साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक साउथ की वॉल पर जहां आपको पसंद आता है वहां पर आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप अपना मेन गेट साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक लगाते हैं तो वो गेट आपका बिल्कुल स्ट्रेट लगना चाहिए, सीधा लगना चाहिए। आपका मेन गेट साउथ ईस्ट में ईस्ट की तरफ जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। आप साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक जहाँ आपका मन करता है वहाँ पर आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, साउथ ईस्ट में इसलिए मैं मेन गेट को कहता हूँ क्योंकि आजकल जो घर है, घर की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो गई है। बड़े प्लॉट हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, जिनके प्लॉट के साइज छोटे हैं उन्हें अपना मेन गेट लगाना है। या तो उनका गेट लेफ्ट कॉर्नर पर लगेगा या राइट कॉर्नर पर लगेगा, फेसिंग चाहे कोई भी हो। आपका घर साउथ फेसिंग है तो आप अपना मेन गेट साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, साउथ वॉल पर, उसमें आपका कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं लगता। अगर आप अपना मेन गेट साउथ सेंटर में लगाते हैं तो उससे होगा क्या, ना तो आपको लेफ्ट में स्पेस मिलता है ना ही राइट में स्पेस मिलता है, सिर्फ गेट तो आपका साउथ सेंटर में आ जाता है। लेकिन साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर गेट आता है तो वो फ़ायदा देता है, साउथ सेंटर से साउथ वेस्ट की ओर गेट जाता है तो वो आपको नुकसान देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं। कार पार्किंग के लिए आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए गेट आपका साइड में ही दीवार के साथ ही लगेगा, वहाँ से आपकी अपनी कार पार्किंग हो जाएगी और एक छोटा गेट आप साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर भी लगा सकते हैं। ये गेट हमेशा ही अच्छे रहते हैं, फाइनेंशियली भी, प्रसिद्धि के लिए भी, नेम फेम भरपूर मिलता है जब गेट साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर लगता है। जो बात मैंने आपको बताई वो बात मैंने अपने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताई है। और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को, बिल्डिंग को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या आप मेरे चैनल पर रेगुलर है और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप मेरी पुरानी लगभग 450 वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।